हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपने स्नेक्स को अक्सर छोटे मोटे साइज यानी चूहे और बिल्ली जैसे जानवरों के साथ टाइगर पर किए गए अटैक्स के बारे में सुना होगा, पर ऐसे में ये रिंगने वाले जानवर ज्यादातर सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट कैमरा में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं जहां स्नेक्स को मुंह की खानी पड़ी और दुम दुबाकर भागना पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिखाने वाले हैं जब स्नेक्स की जान जाते जाते बची। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, कैंगरू रैट वर्सेस कैटल स्नेक। सांप के हमलों की बात हो रही है तो ये वीडियो देखना तो बनता ही है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में ऐसे सीन रेली ही कैप्चर होते हैं। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि एक चूहे पर सांप किस तरह हमला करता है। तो दरअसल ये मामूली चूहा नहीं है, बल्कि डेजर्ट में सर्वाइव करने वाला कैंगरू रैट है, जिसके पैर नॉर्मल रैट से कई बड़े होते हैं और इनमें गजब की सर्वाइवल स्किल्स भी होती हैं। इसी स्किल्स की बदौलत आज ये चूहा इस सांप के हमले से बच जाता है, वरना इस सांप का हमला इतना खतरनाक है कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, अपने लंबे पैरों की वजह से ये तकरीबन 3 फुट तक उछल सकता है। नंबर 2, मैंगोज अटैक ऑन कोबरा। सांप और नेवले का 36 का आंकड़ा है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये जानवर जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठते हैं। कुछ ऐसे ही यहाँ भी देखने को मिला जब एक नेवले ने अचानक से एक कोबरा सांप को देखा। इस सांप को देखते ही नेलवा उतावला हो गया और सांप को मारने के लिए इसने हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। और इन दोनों में होने वाली लड़ाई भले ही बंद इलाकों में होती है, पर सांप चालाकी दिखाता है और आहिस्ता आहिस्ता खुद को खुले मैदान में ले आता है। ऐसे में नेवले को भी खुलकर वार करने का मौका मिलता है, लेकिन खुले में आते ही सांप बिना वक्त गवाए तेजी से भागने लगता है, यानी सांप आगे आगे और नेवला पीछे पीछे। इससे पहले कि नेवला सांप के करीब पहुंचकर इस पर हमला करे, इतने में सांप पास ही मौजूद एक गड्ढे में जा छुपता है। दोस्तों, सांप को इस गड्ढे के बारे में पहले से ही पता था, जिसकी वजह से वो खुले इलाके में आया। सांप को पता था कि अगर ज्यादा देर नेवले का सामना करना पड़ा तो इसकी जान भी जा सकती है। नंबर 3, एलिगेटर अटैक ऑन पाइथन। दोस्तों, मगरमच्छ कितने खतरनाक होते हैं ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर इनके मुकाबले में पाइथन भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते। ऐसे में जब भी इन दो शिकारियों का आमना सामना होता है तो मुकाबला देखने लायक होता है। इस वीडियो में मौजूद जैसे एक मगरमच्छ की नजर इस पाइथन पर पड़ती है तो इसका पारा चढ़ जाता है और वो इस पाइथन को बिना मौका दिए इस पर लगातार हमला करता है। इन हमलों से पाइथन पूरी तरह से हैरान रह जाता है, और फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है जब ये मगरमच्छ इसको अपने दांतों में दबा लेता है। दोस्तों, ये पाइथन मगरमच्छ पर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नहीं कर पाता और आखिरकार ये यहाँ से दबे पांव चला जाता है। नंबर 4, वेनस स्मॉल हेडहॉग अटैक ऑन स्नेक। दोस्तों, आपने सांपों को, चूहे और दूसरे छोटे मोटे जानवरों को मारकर खत्म करते हुए तो देखा ही होगा। इस वीडियो को देखकर भी लगता है कि आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि एक तरफ काले रंग का खतरनाक बड़ा सांप है और वहीं दूसरी तरफ एकदम छोटे से साइज का हेडहॉग है, जो कि सांप के एक ही वार से दम तोड़ देगा। और इत्तफाक की बात तो ये है कि ये दोनों ही जानवर खेतों में अचानक से टकरा जाते हैं। ऐसे में सांप को शिकार करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। शिकार के करीब पहुंचते ही सांप को अंदाजा होता है कि ये कोई मामूली चूहा नहीं है, और इस जानवर के जिस्म पर नोकीले कांटे भी मौजूद हैं। ऐसे में बेचारा सांप इस पर हमला भी नहीं कर पाता, पर हेडहॉग ऐसे अपने दुश्मन को जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो सांप पर हमला करता है और इन हमलों की वजह से सांप को मजबूरन यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है। नंबर 5, किंग कोबरा वर्सेस मीरकैट। दोस्तों, हम आपको सांप के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बताने वाले हैं। ये जानवर हमेशा ग्रुप में चलते हैं और जहाँ पर भी इन्हें सांप दिखाई दे तो ये इन्हें निश्चित नाबूद कर देते हैं। इनका गैंग इतना खतरनाक होता है कि किंग कोबरा जैसे सांप भी इनके आगे सर झुका देते हैं। यहाँ ये किंग कोबरा मीरकैट के ग्रुप में घिर चुका है, जिस सांप के काटने से हाथी जैसे जानवर की भी मौत हो सकती है वो इन छोटे छोटे जानवर की वजह से दबक जाता है। हालांकि आज किंग कोबरा की जान मुश्किल में जरूर फंसी है, मगर ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाती है और सांप अपना रास्ता बदल लेता है।
नंबर 6 कैट प्रोटेक्ट किटन फ्रॉम पाइथन अटैक। दोस्तों कैट्स देखने में भले ही छोटे लगे हैं पर जब बात आती है अपने बच्चों को बचाने की तो ये बिल्लियां शेर से भी ज्यादा खतरनाक बन जाती हैं। तो ये बिल्लियां फिर किसी से भी लड़ जाती हैं, फिर चाहे वो एक बड़े साइज का पाइथन ही क्यों ना हो। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब भी पाइथन ने बिल्लियों के घर में घुसकर इनके बच्चों पर हमला करने की कोशिश की है तो इस वक्त ज्यादातर मामलों में इन सांपों को मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले के सांप बिल्ली के बच्चों को छुए, इतने में बिल्लियां सांपों को मार मार कर इनका बुरा हाल कर देती हैं। इस सिचुएशन में सांपों को मजबूरन खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।